हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी बॉली डेली अपडेट्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको छोटी अपडेट दे देता हूँ कि योद्धा फिल्म को लेकर जो हाल ही में रिलीज हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 35 करोड़ और फिल्म का बजट है 55 करोड़। दरअसल ये मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल कर आई पता है क्या? एक ही एक्चुअली इस फिल्म का जॉनर है, एक ही प्लॉट है, इसका बेस वही है कि आतंकवादियों से देश को बचाना है, देश को बचाना है, क्योंकि ऑलरेडी देश को बचाने का ठेका तो अभी टाइगर ने लिया है, अभी पठान भी आ गया है और उसके बाद अक्षय कुमार तो सेल्स डिपार्टमेंट में है जो कि सेल करते हैं वो देश की मिट्टी को। तो है कबीर सिंह भी है, सॉरी कबीर सिंह नहीं, वॉर पिक्चर में क्या नाम था उसका, भूल गया हूँ मैं, कबीर, चलो ठीक है मुझे कबीर ही नाम याद है, कबीर का जब भी नाम याद आता है मुझे तो कबीर सिंह ही आता है, तो कबीर है। तो यशराज ने तो पूरा यूनिवर्स अपना बना के रखा हुआ है देश को बचाने के लिए, तो ठीक है ना, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, करने दो उन्हें अपना काम, वो लोग रिटायर हो जाएंगे तो फिर आना देश को बचाने के लिए। और जो ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं वो तो रोहित शेट्टी है, पुलिस फोर्स उन्होंने अपनी एक बना के रखी है, वो हिफाजत कर रहे हैं सिविलियंस की ग्राउंड लेवल पे, तो ठीक है वो चल ही रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा यार, अभी है देश को बचाने वाले फिलहाल हमारे देश के पास, तो अभी एटलीस्ट यार फिल्म का जॉनर चेंज करो, कुछ अच्छा करो जैसे दीपक कलाल कहते हैं वैसे ही। फिल्म की डिमांड अभी ये लाइक ऑडियंस की डिमांड वो है यार, वो एरा फिर से वापस आएगा या नहीं आएगा, छुप छुप के बनती थी, ढोल मूवी जैसी बनती थी, ऐसा एंटरटेनमेंट मूवी बनाओ बट नहीं बन रही है। सबको देश की हिफाजत करना है, सभी को देश की हिफाजत करना है तो एंटरटेन कौन करेगा यहाँ पर? तो पिक्चर है फिर यार, तुम बड़े बड़े बजट की पिक्चर बनाते हो, अभी ईद के मौके पर अभी रिलीज होने वाली है फिल्म छोटे मियाँ बड़े मियाँ, वो फिल्म की भी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन बिहाइंड द सीन मैंने देखा हूँ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का, वो कहते हैं कि हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है, एक एक सीन हमने रियलिस्टिक रखा है, अच्छी बात है मेहनत करते हो रियलिस्टिक रहा, लेकिन पब्लिक की डिमांड एक्चुअल नहीं है, वो फुलफिल नहीं हो रही है, आप मेहनत करते हो हम अप्रिशिएट करते हैं लेकिन आप वही देश को बचा रहे हो, जाके एक आतंकवादी आता है या देश पर हमला हो रहा है, वो कर रहा है, टाइगर है, टाइगर 1, 2, 3 है, टाइगर बचा रहे देश को, हम देख रहे हैं काम कर रहा है, जब वो रिटायर हो जाएगा तो आप लोग आ जाना फिलहाल। तो अभी होपफुली देखते हैं कि छोटे मियाँ और बड़े मियाँ को लोग पसंद करते हैं क्या नहीं, या इनका रिस्पांस कैसा मिलता है ऑडियंस की तरफ से, वो तो देखना बाकी रहेगा। उन्होंने ट्रेलर तो ड्रॉप कर दिया है, फुल ऑन एक्शन से भरा हुआ है। और दूसरी बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा, मुंबई के लाइक जाने माने है बाबा सिद्दीकी, नाम तो आपने सुना होगा, और ये बाबा सिद्दीकी तो जाने जाते इफ्तार पार्टी के लिए, बस इफ्तार पार्टियाँ ही करते रहते हैं। लेकिन पहले मैं सुनता था जब छोटा था तो इफ्तार पार्टी बाबा सिद्दीकी सब सेलिब्रिटीज आते हैं या आते, वो टाइम पे वाव लगता था वैसा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते हैं समझ आती है, तब हमें समझ आता है कि एक्चुअल में यार ये सब बहुत बड़ी गलत चीज़ें हैं, ये इस चीज़ों को ग्लोरीफाई करना, क्योंकि रमज़ान का दर्जा जो है ऐसे लोगों की वजह से ही गिरते जा रहा है। इफ्तार पार्टी इसका क्या ही मतलब हो गया, अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी नेमत है ये रमज़ान, और इफ्तार जो है वो रोज़दारों के लिए होता है, नेक आमाल वाले लोगों के लिए होता है जो दिन भर अल्लाह की राह में रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, हर उस गुनाह से परहेज़ करते हैं जो उन्होंने साल भर करते आए हैं। और उसमें से कई लोग तो साल भर यही रमज़ान का जो शेड्यूल है वो फॉलो करते हैं, अच्छी राह पर निकल जाते हैं, अपने आप को बदल देते हैं। लेकिन ये जो इफ्तार पार्टी का नाम दिया जा रहा है और जो इफ्तार पार्टी में लोग आते हैं जिनका दूर दूर से कोई रमज़ान से लेना देना होता नहीं है, उन चीज़ों को सब चीज़ करी जाती है, वो लोग आते हैं और इस चीज़ को बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। अब जिन लोगों को रमज़ान के बारे में नहीं पता होगा वो लोग तो यही सोचेंगे इफ्तार पार्टी होती है इनका, रमज़ान में ऐसा होता है, एक परसेप्शन, एक माइंडसेट बन जाता है लोगों का, जिन लोगों को मतलब पता नहीं होता है, गलती वो लोगों की भी नहीं है, गलती यहाँ से होती है और ये गलती कैसे ये चैन बनती है। तो इन चीज़ों को मैक्सिमम इग्नोर करेंगे तो ही बेटर होगा।
अब मुझे पता है मेरी आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचने वाली है नहीं, लेकिन जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या तो फिर जितने भी आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हो, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए या हो सकता है तो वहाँ तक पहुँचाइए। मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें बंद होने वाली है। अब इन सब के बारे में बोलना तो पड़ेगा किसी ना किसी को, तो या हर किसी को बोलना ही पड़ेगा। हर कोई आदमी अगर इंडिविजुअली अगर सेम टॉपिक पे लेकर ऐसा बातें करेगा तो होपफुली एक दिन वहाँ तक बातें ये सब पहुँच ही जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी गलत चीज़ें हैं ये इन चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। इफ्तार पार्टी और उसके बाद ये इबादत का जो दर्जा है वो गिरते जा रहा है। ये एक अपने हिसाब से एक बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमारे इस्लाम में है नहीं। इस्लाम पूरा मुकम्मल है, इस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है और ना कोई कर सकता है मॉडिफिकेशन। ये तो बहुत ही मतलब गलत तो चीज़ लगती है उनकी मुझे जहाँ तक है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अभी जो उमरा का सीज़न चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लोग कई लोग उमरा जाते हैं, लेकिन इस उमरा में अभी क्या हो जा रहा है, लोग इबादत कम और दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत ही दिखावा ये बढ़ चुका है। उमरा का मतलब क्या होता है यार, मतलब आप जाते हो, अल्लाह और आपके बीच की बात होती है ये यहाँ पर। लेकिन ये क्या हो रहा है आजकल, लोग दुनिया को दिखाने के लिए उमरा जा रहे हैं, वहाँ जाके रील्स बना रहे हैं। और सबसे पहले तो ये आगे आ जाते हैं कुछ हमारे छपरीज, इन्हें छपरीज भी कहना हमें इतना कोई शौक नहीं है, बट ये लोगों की जो हरकत है, ये लोग जो सोसाइटी को बिगाड़ रहे हैं, ये और सबसे बड़े बेवकूफ़ है जो इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। हाल ही में जो किंग है छपरी का, जिन लोगों के आप लोगों ने रील शेयर कर करके मजाक मस्ती में जो भी है कहां से कहां पहुंचा दिया है, और वही चीज़ को आज ये लोग मेहनत कहते हैं और आप ही लोग के सर पर जूता मारते हैं और बड़ी बेशर्मी से आप लोग वो जूता खा लेते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं और ना कोई छुपाने वाली बात है। आपको ये लोग हर रोज़ आपके औकात तो दिखा देते हैं, आप बड़ी बेशर्मी से इन लोगों को फॉलो करते हैं। तो होपफुली अक्ल आ जाए, सही चीज़ों को फॉलो कीजिए। अब बस ये लोग जाते हैं वहाँ रील बनाते हैं, खलीफा एक आफ्तान पहनते हैं वहाँ पर जाकर, वो दर्जा क्या होता है वो चीज़ का, वहाँ पर जाके ये लोग रील बनाते हैं और उसके बाद रील बनाने के बाद वो चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं, और कुछ बेवकूफ़ वहाँ पर ये लोगों को देख कर ये लोगों के साथ सेल्फी लेते हैं, जो कि इबादत गाह के लिए वहाँ पर आते हैं, लोग अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी के लिए वहाँ पे आते हैं, लेकिन ये लोग की सेल्फी, ये लोगों के साथ सेल्फी लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बस तक अगर आप में से अगर कोई उमरा का इरादा बनाया है या उमरा के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, आप किसके लिए जा रहे हो। आप इबादत के लिए जा रहे हो क्या दुनियावी इबादत के लिए जा रहे हो, जैसे कि कहा गया है बहुत पहले ही, 1400 साल पहले ही कहा गया था, इबादत जो है आने वाले वक्त में वो दिखावे की हो जाएगी, वो हो रही है। तो आप ये नहीं चाहोगे कि उन दिखावे वाले लोगों में आपका नाम शामिल हो। ये जो लोग छपरी लोग जा रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कितना ही दिखावा चल रहा है, और उसके बाद वहाँ से जब आते हैं तो हमें नेक राह चुननी होती है, ये सब चीज़ें छोड़ कर, गुमराही की राहें छोड़ कर, जो भी आप करते थे वो सब छोड़ कर आपको एक शेड्यूल फिक्स करना होता है, हलाल चीज़ों पे ज़्यादा आना होता है। और ये हलाल वर्ड को भी इतना बदनाम कर रखा है, पता है क्या, जब भी ये हलाल कुछ कहो तो वही सिनारियो याद आता, हमारी एक एक चीज़ को इतना बदनाम कर रखा है, लेकिन वो चीज़ के बारे में अभी बोल नहीं सकते, किसी और दिन या किसी और टॉपिक पर हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर वही चीज़ यहाँ पे आके नाचना गाना, वही छपरी गिरी चालू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, करने तो उनका सोशल मीडिया है, ठीक है वो करने दो, लेकिन इग्नोर करना आपका काम है, वो चीज़ को और ग्लोरीफाई करना आपका ये नहीं काम है।
और पता है क्या, इसका उल्टा जवाब काफ़ी आ जाता है कि पहले आप अपना देखिए फिर दूसरों को सही कीजिए। ऐसा नहीं होता है, परफेक्ट कोई नहीं होता है। हर कोई अगर अपना अपना अपने आप को एकदम सही करने जाएगा उसकी उम्र निकल जाएगी, वो आदमी कभी सही नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमें हर चीज़ का बोलना चाहिए, जहाँ कुछ गलत दिखता है तो वो भी अच्छे तरीके से वो चीज़ को ना कि किसी को बेइज्जती करने के इरादे से हम किसी की गलतियाँ गिनाएं, नहीं ऐसा नहीं होता है। और कोई हमें कुछ बोल रहा है तो वो चीज़ को पॉजिटिव वे में लो, और बोलने वालों को भी समझना चाहिए कि वो पॉजिटिव तरीके से बोले वो चीज़ को, ना कि उसकी गलतियाँ दुनिया के सामने गिनवाने के इरादे से करे वो। तो फाइनली कंगना रनौत का जो चाटू प्रोसेस था मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए जो इतना प्यार निछावर कर रहे थे जो कंगना रनौत, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, उन्हें टिकट मिल गया है बीजेपी की तरफ से। हिमाचल प्रदेश में जो मंडी है वहाँ से उन्हें टिकट मिली है। तो फिर यही जो कंगना रनौत जो है वो भी एक अंधभक्त की क्वीन मानी जाती है, क्योंकि अभी कंगना रनौत का कहना है कि जो देश आज़ाद हुआ है वो 1947 में नहीं हुआ है, वो 2014 में हुआ है। कंगना रनौत का ऐसा कहना है, जो हमारा देश आज़ाद हुआ है वो 2014 में हुआ है, उससे पहले हमें सिर्फ जो है ना वो भीख मिली है आज़ादी की। ये है कंगना रनौत का कहना। तो कंगना रनौत से मतलब पूछना ये है, तो फिर मणिकर्णी आपने मूवी क्यों बनाई? फ्रीडम फाइटर बनने का वो शौक था आपको, फिर क्यों भगत सिंह ने और बाकी और जो है फ्रीडम फाइटर हमारे वो लोगों ने मतलब भीख ली है अंग्रेज़ों से? हाँ, कंगना रनौत का मतलब यही है कहना। और दूसरी बात ये है कि कंगना रनौत ने उर्मिला मातोलकर के लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था पहले, उर्मिला मातोलकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा था, और यहीं पे जब कंगना रनौत को कांग्रेस की प्रवक्ता ने सिर्फ एक ट्वीट मारा था कि आज मंडी का क्या भाव है, तो सब न्यूज़ चैनल वाले जो है आ गए डिफेंड करने कंगना रनौत को। एक औरत दूसरी औरत के लिए ऐसा कैसा बोल सकती है? इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? लेकिन क्यों, जब कंगना रनौत ने ऐसा कहा था तब एक औरत दूसरी औरत के लिए नहीं खड़ी हुई थी? अभी देख लो बड़ी हद होती है दलाली की, यहाँ पर साफ दिखाई देती है दलाली। और प्लस कंगना रनौत को अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें एक अलग से मंच भी दिया गया नविका कुमार की ओर से, और वहाँ पे इतना गंदा सा कंगना रनौत जो है जस्टिफिकेशन देती है कि सॉफ्ट पॉर्न स्टार जो है वो भी एक आर्टिस्ट है, उनकी भी इज्जत होती है, और उनको कंपेयर कर दिया सीधा सीधा सनी लियोनी से, कहती है कि वो सनी लियोनी को सनी लियोनी की भी कितनी इज्जत है। ये सब गोबर, वो कहते हैं ना गोबर भक्त अनभक्त, तो गोबर ही भरा रहता है दिमाग में, वैसी गोबरों जैसी वाली बात करते हुए दिखी है कंगना रनौत। तो इस बारे में लाइक आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करने का वैसे भी मन नहीं कर रहा है, क्यों इतना मतलब यार ऐसी को इस करने का। अगर एक्ट्रेस की और मतलब एक एक्ट्रेस की नज़र से देखा जाए तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस है वो बॉलीवुड में कंगना, लेकिन उतनी ही बड़ी बेवकूफ़ है जितना अपने आप को शेरनी कहती है वो, या किसी से भी भिड़ जाती हूँ मैं धाकड़ हूँ ये वो। वो एक्चुअली खुद का परसेप्शन बनाई हुई है, उन सबको धाकड़ नहीं कहते हैं, उन सबको बड़े ही बेवकूफ़ कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कंगना को जहाँ है वहीं छोड़ देते हैं, हमारे तो बस का है नहीं कंगना को कुछ कहने का या उन्हें कुछ सजेशन देने का या कुछ समझाने का, वो तो चांद पर है अभी। तो अभी लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक जो है मुंबई इंडियंस के जो ओनर है अंबानी, उन्होंने एक फैसला लिया है। अभी जो भी हार्दिक पांड्या को मैच के दौरान जो भी ट्रोल करेगा उस व्यक्ति को स्टेडियम के बाहर निकाल दिया जाएगा,
ऐसा फैसला लिया गया और ऐसी खबरें कभी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि हार्दिक पांड्या पर काफ़ी मतलब लांछन लग रहे हैं और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और रोहित शर्मा को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बहुत ही गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ट्रोलिंग कहीं ज़्यादा बढ़ते जा रही है। अब वो नहीं पता कि हार्दिक पांड्या अभी उनकी जो वीडियो है छोटी छोटी क्लिप जो है वो वायरल हो रही है कि उन्हें लसित मलिंगा को उन्होंने थोड़ा पुश कर दिया जब लसित मलिंगा उनके पास आए, और एक दूसरी क्लिप वायरल हो रही है जिसमें लसित मलिंगा जो है अपनी चेयर हार्दिक पांड्या को दे देते हैं और उठ के वहाँ से चले जाते हैं। ऐसी काफ़ी क्लिपें जो वायरल हो रही है, लोग उसी क्लिप के आधार पर हार्दिक पांड्या को और कहीं ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये काफ़ी गलत है। मुंबई इंडियंस का भी न्यू कैप्टन बने हैं तो थोड़ा हमें चांस देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को मौका देना चाहिए। अब एज अ प्लेयर वो तो ठीक है, हार्दिक पांड्या ने उन्होंने तो काफ़ी अपना परफॉर्मेंस दिखाया है तभी जाके आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। एज अ क्रिकेटर बोल रहा हूँ मैं, एज अ पर्सन बात नहीं कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या की। एज अ स्पोर्ट्समैन के हिसाब से देखा जाए तो हार्दिक पांड्या काफ़ी अच्छा प्लेयर है। अभी उन्होंने जिम्मेदारी ली है एज अ कैप्टन मुंबई इंडियंस की, तो उन्हें मौका देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए उन्हें, इतना भी हद से ज़्यादा ट्रोलिंग नहीं करना चाहिए। फिलहाल मुंबई इंडियंस उनकी कैप्टेंसी में मैच तो फिलहाल अभी जीती नहीं है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस रहा है, इतनी बुरी तरह से भी कोई हार रहा नहीं है, ना कोई इतनी मिसफील्ड हो रही है, ना कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है फील्डिंग पर। कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं हार्दिक पांड्या, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस कभी कभार लगता है कि ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहा है, लेकिन ठीक है उतना चलता है, वक्त के साथ स्लो स्लो उनका भी बिहेवियर होगा, चेंज होगा, या किसी का नेचर ऐसे ही रहता है। बस हमारा काम है एक स्पोर्ट्समैन की एक इज्जत करो और सपोर्ट करो, हद से ज़्यादा ट्रोलिंग मत करो, इतना है। ठीक है, अब जितनी हो गई ट्रोलिंग, फिलहाल अब हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि जनरेशन चेंज होती है, लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है, तो वक्त के हिसाब से भी हमें भी चेंज होना चाहिए, उस वक्त के बदलाव को हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फुली देखते हैं कि अभी हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में और कितने चेंजेस आते हैं मुंबई इंडियंस के, और परफॉर्मेंस कैसा निकल कर आता है। जो अभी सोशल मीडिया पर जो है एक नया फॉर्मूला, नया क्या, आई थिंक ये पुराना ही होगा, तो एक फार्मूले को इस्तेमाल करके सक्सेस हो गए हमारे रजत दलाल। कॉन्ट्रोवर्सी करो, फॉलोअर्स गेन करो, और उन्हीं फॉलोअर्स का काट दो, ये चल रहा है। सबसे पहले कंट्रोवर्सी हुई थी मैक्सटन और एलविश की, फ़ायदा किसका हुआ, वो दोनों का ही हुआ, मैक्सटन की भी निकल पड़ी, फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई, नंबर्स काफ़ी बढ़ गए, खूब फ़ायदा हुआ, अच्छा हुआ। और इसी बीच में कूदते हैं रजत दलाल, दोनों का जो मैटर है वो सुलटाने के लिए। फिर इस लेकिन इससे पहले जो रजत दलाल है, राजवीर से इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी गुंडाई चल रही थी, दोनों एक दूसरे की ताकत दिखाने में लगे हुए थे। यहाँ ये 10 आदमी लेकर आ रहा था, वहाँ वो 2-10 आदमी लेकर आ रहे थे और वीडियो बना रहे थे, और साथ में जो बेवकूफ़ फैंस रहते हैं वो चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं, और ये लोग के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्रेंड कर रहे हैं। किस बात के लिए ट्रेंड कर रहे हैं कि दोनों गुंडाई कर रहे हैं, ये जो है समाज को मैसेज जा रहा है, और जो न्यू जनरेशन है वो खूब सपोर्ट देने में लगी हुई है, क्यों दे रहे हैं नहीं पता, उसकी माँ का मजे ही मजे। फैंस का तो यही चल रहा था, ओ फैंस को तो बस यही कहना चाहूँगा कि बड़े ही बेवकूफ़ फैंस हैं, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये लोग का कुछ नहीं जाएगा, ये लोग बस तुम्हारा काटेंगे, आगे बढ़ेंगे, मस्त कमाएंगे, अपनी फैन फॉलोइंग आगे लेके जाएंगे, मस्त ब्रांड एंडोर्समेंट करेंगे। ये लोग तो निकल लेंगे, कटेगा तुम्हारा ही यहाँ पर। और आई थिंक ये जितने भी होंगे शायद काम करने वाले होंगे या पढ़ने वाले होंगे, या पढ़ के भी क्या आंखें नहीं खुल रही है क्या, या तो
तीसरा मेरे को लगता है ना यही सही बात होगी, जो इन लोगों को फॉलो करता है इसको, एल्विश को, ऐसे लोगों को, इससे तो अंदाज़ा कहीं ना कहीं लग जाता है कि देश में कितनी बड़ी बेरोज़गारी चल रही है। इसे एकदम इजी तरीके से ना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेरोज़गार कितने पड़े हुए हैं यहाँ पर, कि ऐसे छपरियों को फॉलो करके ऐसे छपरियों को जो है आइडियल बना लेते हैं। बस ये फार्मूला है, इन्होंने ये फार्मूला अप्लाई किया और हिट हो गए और यहाँ पे फैंस का काट लिए। और जो रजत दलाल है ये तो अपने फैंस को तो है वो खुला बोल ही देता है कि मेरी फैंस को जो सॉरी फैंस बोल रहा हूँ जो इनकी फैन फॉलोइंग है, क्या कहते हैं इनके फॉलोवर्स जो है, उनको इंग्लिश नहीं आती, अनपढ़ है यार। अभी तो ये लोग यार तुम पे ना, तुम्हारे मुंह पे ना जूता मारते हैं, पता है क्या, तुम पे हंसते हैं, तुम्हारी जो बेरोज़गारी है ना, जो मुंह उठा के जो नेट पे आ जाते हो, इतने अच्छे अच्छे डिजर्विंग लोग हैं, एंटरटेनमेंट इतना भरा पड़ा है इंटरनेट पे, लेकिन नहीं, तुमको तो बस कूच चाटने की आदत है, उसे गोबर देखने की आदत है, वही देखते हो और वही चीज़ से ये लोग फिर क्या करते हैं, यही करते हैं, तुम्हारे मुंह पे जूता मारते हैं, हंसते हैं तुम्हारे पे, तुम्हारा ही काटते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल यही है ना हमारे फैसू भाई, सबसे बड़े एग्जांपल, वो खुद ही अपने रील पे रिएक्ट करता है तो उसका मिलियन चले जाता है, कोई ढंग की कोई तो आजकल व्लॉगिंग कर रहा है, कार पे बैठकर इंटरव्यू लेता है उसका, ओके ठीक है, लेकिन जहाँ वो अपनी रील पे रिएक्ट करता है मिलियंस व्यू जाता है, पता है क्या क्यों जाता है, क्योंकि वो ना तुम्हारी औकात दिखाता है वो बंदा, कि आज भी ना मैं तुमको गू दिखाऊंगा और यही तुम्हारी औकात है, अच्छे कंटेंट की तुम्हारी औकात नहीं है। और दूसरा ये है कि अभी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा एक रील काफ़ी वायरल हुई थी, मेट्रो में होली खेल रहे थे काफ़ी अश्लील तरीके से, वही दो लड़कियाँ अभी दिल्ली की सड़क पे स्कूटी पे बैठ के जैसे कि आप देख रहे हो अश्लील तरीके से वापस से होली खेल रही थी, तो दिल्ली पुलिस ने ये लोगों पे फाइन लगाया है 80,000 रुपये का, 80,000 या 85,000 का इन पे फाइन लगाया, ऑब्वियसली लगना चाहिए। लेकिन इससे पहले पुलिस एक्शन लेने से पहले जब ये लोग ऐसे रील बनाते हैं रोड पे आ कर हमारी सोसाइटी को जो है गंदा करते हैं, ये लोगों को रोकने वाला वहाँ पे इंस्टेंट रोकने वाला कोई होता नहीं है क्या, रोकना चाहिए यार, तुम्हारा हक है वो चीज़ को रोकना। आप क्या टैक्स के ये चीज़ के लिए पे करते हो क्या, आके कोई रोड पे बना रहा है समाज को गंदा कर रहा है, और प्लस इससे क्या होता है पता है क्या, आपको लगता है क्या बना रहा है, बनाने तो जाने दो, लेकिन जो आपके साथ जो आपका बेटा होगा या जो कच्ची उम्र का होगा वो क्या सोचता होगा, अरे वाह ये जो कर रहे हैं, हाँ क्या मैं भी करता हूँ, ऑब्वियसली वो चीज़ से इंस्पायर होते हैं। और ये लोगों की सबसे बड़ी गलत फहमी क्या होती है पता है क्या, ये लोगों को लगता है ना कि हम लोग बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, ये बहुत डेरिंग वाला काम है, हम बोल्ड है, नहीं ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम है। लेकिन ये लोग की मैंटेलिटी वैसी बन गई है, आने वाली जनरेशन की मैंटेलिटी भी सेम यही बन रही है, तो इस मैंटेलिटी को चेंज करना होगा। अगर आपको लगता है आपके अंदर बहुत टैलेंट है ऐसा सब करने का, ऐसा इतना अच्छा डांस कर लेते, ये वो जाओ ऑडिशन चालू रहते हैं फिल्म स्टूडियो में, पता करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, वहाँ क्लियर करके बताओ, नहीं एक प्लेटफॉर्म मिल गया इनको, बस वहाँ बैंड खोलना है, बैठ जाना है रास्ते में बिना कुछ पानी लेके हुए, गंदगी करनी है वहाँ पर। और पता है क्या इन सब की इंस्पिरेशन कौन है, ये ऐसे महान लोग, ये बस ऐसे किस्मत से चल गए, ये अपनी किस्मत को मेहनत मानते हैं। और पता है क्या इनकी किस्मत किसने बनाया है, आप लोगों ने बनाया है, भले ही आप लोगों ने इंटेंशनली उस चीज़ को फॉरवर्ड नहीं किया है, इनका मजाक उड़ाने के लिए ही किया है, लेकिन जो भी है या आप ही के वजह से आज उस जगह पे बैठे हैं, आज आप ही को जो है ये मेहनत का ज्ञान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अभी वड़ा पाव गल, हजारों लोग वड़ा पाव के ठेले लगाते रोज कमा रहे मेहनत की, लेकिन ग्लोरीफाई किस चीज़ को किया जा रहा है, कहाँ क्यों गए ये, मैं तो इतना डीप में नहीं कहना चाहूँगा, समझ जाओ कि वहाँ पर ये जो कुछ बेवकूफ फूड ब्लॉगर जाके, और दूसरी बात डॉली चाय वाला, वो आज हमें मेहनत का ज्ञान दे रहा है पैसा कैसा कमाया जाता है, मतलब इससे सब ये सब देखने से क्या हो रहा है। और हाँ एक और रील मैंने देखा जहाँ एक मंचूरियन वाला कहता है कि उसकी मंथली इनकम है 1.5 लाख रुपया, क्या 1 लाख रुपीज़ उसकी
मंथली इनकम है, इसका मतलब क्या, मतलब मैसेज क्या जा रहा है में जो आज पढ़ रहा है या कोई स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा है, तो आजकल मैसेज क्या जा रहा है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, जॉब छोड़ दो और आ जाओ रोड पे फुटपाथ पे चाय बेचने के लिए, मंचूरियन खोल लो या वड़ा पाव खोल लो, ये जा रहा है, ये देश का भविष्य है। पता है क्या, खुद की सोच और खुद का पॉइंट ऑफ व्यू मिटते जा रहा है। क्यों मिटते जा रहा है? ये लोगों की वजह से। आजकल खुद की सोच और खुद का ओपिनियन नहीं रख पाते, डरने की बात तो दूर है, उतनी सोच जा ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही है? यही वजह से। इग्नोर करिए आप यार, इग्नोर करिए सब चीज को, जो कर रहे हैं उस पे फोकस कीजिए। इसके बारे में और ज्यादा क्या ही कहूं मैं। ठीक है, फिर वीडियो को यही हम एंड करते हैं, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब Peace out.